मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे समाज से भी मेरे बड़े भाई डॉक्टर अश्विनी जी, मंडल में हमारे महासचिव माननीय राजबालिया जी, दोनों बूथ अध्यक्ष माननीय विजय जी और दूसरे बूथ के अध्यक्ष कहां गए हमारे चाय वाले बंदर कुक्कू जी, आपकी लोकप्रिय प्रधान बहन हेमा जी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे वरिष्ठ और बहुत ही कर्मठ मेरे बंधु वंदनीय मातृशक्ति और नौजवान साथी, माननीय त्रिपाठी जी ने बड़े ओजस्वी शब्दों में डोगरी में आपसे कुछ बातें रखी, डॉक्टर साहब ने भी आपसे बहुत सारे बातें जो आज वर्तमान संदर्भ में भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा है उनके बारे में बात की। मैं भी छोटी सी बात आपके साथ साझा करूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आम चुनाव है, 5 साल के बाद जब भी चुनाव होता है तो हम उसको आम चुनाव कहते हैं कि देश में आम चुनाव है। लेकिन मेरी ये मान्यता है कि ये आम चुनाव ना होकर बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, खास चुनाव है, और ये चुनाव भारतवर्ष की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है। आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा का बोध हमें करवाने के लिए इस चुनाव का अपना एक महत्व है। ।2014 के पूर्व का भारत और 2019 के भारत में एक मूल परिवर्तन आया है, मूल अंतर है। 2014 के पूर्व जब आप सुबह टेलीविजन ऑन करते थे, ट्यून करते थे, ब्रेकिंग न्यूज क्या हुआ करती थी, आज इतने 1000 करोड़ का घोटाला इस देश में फला मंत्री ने किया, अखबार की सुर्खियां क्या हुआ करती थी, आज कोई घोटाले में फलाना मंत्री अंदर हो गया, सोशल मीडिया पे क्या क्या ट्रेवल करता था आप सब जानते हैं। सौभाग्यवश भारत मां का ये सपूत 2014 में आप सबके पुरुषार्थ से, मेहनत से, मशक्कत से प्रधानमंत्री बना, और अपने मन पे हाथ रख के ये बात करें कि 5 सालों में किसी माई के लाल की हिम्मत हुई है कि एक पैसे का भी भ्रष्टाचार इस देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी साख, भारत का नाम कभी सांप और सपेरों के देश के रूप में जाना जाता था, आज विश्व ने यह मान लिया है कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा और सक्षम है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस विश्व को नेतृत्व देने के लिए। कई चीजें इसमें बहुत सारी दुखदाई भी हमें सुनने को मिलती है। जब सत्ता हाथ से छिन चुकी हो और वापस दूर दूर तक आने वाली नहीं है तो जो होछे हटकंदे ये लोग चरित्र हनन की राजनीति को जब ये उतर आए तो हम सबका मन आक्रोशित होता है, उद्वेलित होता है। और मैं एक स्वयं सेवक हूं, एक विचारधारा को आत्मसात किया है, उसकी दृष्टि से बात करूं तो कुछ बातें जो उभर कर आती है मैं वो जिक्र करूंगा आपसे। इतिहास हमें सिखाया गया कि 1947 के बाद ही भारत का उदय हुआ, हम भूल गए कि 700 साल की हमने गुलामी झेली है, लेकिन देश की परंपरा, देश की संस्कृति ये 5000 साल पुरानी है। 1947 में देश का विघटन हुआ, विभाजन हुआ,
और ये इतिहास में दर्ज है, जो विभाजन हुआ वो केवल धर्म के आधार पर था। एक धर्म के लोगों ने बोला कि हमें एक अलग से देश चाहिए, सिर्फ उसमें हमारे ही धर्म के लोग हों।